अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बेईमानों से निकलो बाहर, मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से वाल में समारा नारा है। अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष समारा नारा है। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आवाज दो एक है, आवाज दो जिंदाबाद वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहीं दूसरी बना देता गार्ड है और अभी तक के पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। मैं वाचन कर देता हूँ। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का प्रयोग कर जाति व समाज के लोगों को गाली देने के बाबत संदर्भ दिनांक 26/8/2023 को थाना प्रभारी महोदय सिविल लाइन देवास को की गई शिकायत के संदर्भ में सेवा में सामनम्रतापूर्वक निवेदन करने वाले हम सभी वाल्मीकि समाज देवास के प्रांतगण एक मत होकर हम सामाजिक लोग आपको अवगत कराना चाहते हैं। विगत 23 मार्च की घटना 23/8/2023 की घटना है, रात्रि के 11:30 बजे के आसपास की, जिसमें एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ है जिसमें जाति सूचक शब्द कहे गए हैं वाल्मीकि समाज को। इस विषय को लेकर के समाज की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है, इसी संबंध में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे एवं शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसमें दिख रहे तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर नियमावली अनुसार एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि हमें प्राप्त जानकारी शब्द एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से हम वाल्मीकि समाज के समस्त बंधुओं को जाति सूचक शब्द कहना और गाली देना नियमावली अनुसार गंभीर दंडनीय अपराध है। इस हेतु हम सभी सामाजिक बंधु श्रीमान से निवेदन करते हैं कि उक्त आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीबद्ध करने का कष्ट करें, जिससे समाज में इस तरह के जातिगत अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। यह हमारे लिए, समाज के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, जो कि हमारी जाति का नाम लेकर बार बार गाली दी जा रही है जो कि अनुचित है। श्रीमान तुरंत एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज करने के निर्देश देव एवं दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाने की मांग हम करते हैं। न्याय की आस में हम सभी वाल्मीकि समाज के साथी। मैं मीडिया के माध्यम से ये उल्लेख कर दूं कि आज ये पहला विषय है जिसमें जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम पेन ड्राइव में लेकर आए सबूत के तौर पे मीडिया जगत के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सबूत के तौर पे हम दे रहे हैं ताकि इस वीडियो से पुख्ता इंतजाम को जुटा के दोषियों पे दंडात्मक कार्रवाई की। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें फुटेज प्राप्त हुआ था जो सिविल लाइन थाना अंतर्गत क्षेत्र की घटना है, जिसमें कुछ लड़के हैं जो एक लड़के को पीट रहे हैं, साथ ही हमारी जो जाति है वाल्मीकि समाज और जाति का उल्लेख कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। जाति सूचक शब्दों से हमारे समाज की जो भावना है वो आहत हुई है। इसी विषय को लेकर के आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों ने अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, साथ ही साथ हमने ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष ये निवेदन किया है कि माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, इन अपराधियों को जल्दी से पकड़ा जाए, साथ ही साथ इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह से किसी की भी जाति के ऊपर जाति सूचक शब्द कहना, जाति सूचक टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना एवं गाली गलौज देना ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ हमने वो जो फुटेज है उसका वीडियो हमने पेन ड्राइव में लेके पेन ड्राइव के साथ में सबूत के तौर पर भी श्रीमान के समक्ष उपलब्ध कराया। अच्छा, किसके साथ मारपीट हुई थी, कब हुई थी और कभी घटना आई है? ये जिस लड़के के साथ मारपीट हुई है वो लड़का हमारे साथ अभी इस समय मौजूद है और जिसने मारपीट करी है उनका नाम आशीष चीकू और एक और अन्य नाम है जो उसमें बता रहा विनीत। अच्छा, ये आपने सिविल इसकी रिपोर्ट कहाँ पे लिखवाई थी? ये सिविल लाइन थाने में जिस बंदे के साथ मारपीट हुई उसने रिपोर्ट की है, परंतु अभी तक के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। मेरे द्वारा भी श्रीमान थाना प्रभारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निवेदन किया गया था कि श्रीमान ये इन लोगों के ऊपर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर कार्रवाई की जाए, परंतु अभी तक के कोई जवाब नहीं आया। इसी विषय के कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए और ज्ञापन प्रस्तुत किया। ये अभी आपने ज्ञापन तहसीलदार को दिया है और उन्होंने क्या कुछ बताया?
तहसीलदार महोदय का कहना यह है कि जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। आपका नाम? जी मेरा नाम शेषन कल्याण है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ।